दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। मैं हूं डॉक्टर ललित। उम्मीद करता हूं कि सब लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं, जैसे कि आपको पता है, सबसे पहले सभी को मेरा नमस्कार है और चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। और आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं सीजेट में 24 दिसंबर 2021 को जो पेपर हुआ था मॉर्निंग शिफ्ट मैथमेटिक्स का, उस पर हम चर्चा करेंगे। सभी लोगों को मेरी आवाज क्लियर है? ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज बता दीजिएगा। कैमरे की थोड़ी समस्या चल रही है अभी, वो मैं यहाँ पर कैमरा लेके नहीं आया हूँ, थोड़ा बाहर हूँ, क्लास आपकी मिस ना हो इस वजह से मैं क्लास लेता हूँ, जिससे कि कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सभी को मेरी आवाज क्लियर है, एक बार प्लीज बता दीजिएगा। तो थोड़ा फास्ट पढ़ेंगे, थोड़ा तेज करेंगे सवालों को हल करने की कोशिश। तो बता दे, पहला प्रश्न बिना किसी देरी के है, ये 24 दिसंबर का पेपर है जो आपके समक्ष है और उसको आपको करना है सॉल्व। तेजी से करेंगे, हल सवाल मिलेगा तेजी से हमें। पहला प्रश्न, विषम भिन्नों के समूह को चुनिए। आपको सेलेक्ट द सेट ऑफ ऑड फ्रैक्शन, इनमें से सबसे अलग समूह कौन सा है वो आपको चुनना है। अब देखिए, इन भिन्नों में चुनने में कोई मुश्किल बात नहीं है, इसको आसानी से आप चूज कर सकते हैं। वो कैसे चूज कर सकते हैं मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से समझिएगा। देखिए, मैं बात करता हूँ, 1/5 ये प्रॉपर भिन्न है, 2/5 इम्प्रॉपर भिन्न है। ये दोनों 1/3 1/5 दोनों ही भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन है। इसकी बात करते हैं 7/5 4/3, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये वाले फ्रैक्शन भी क्या है, एक प्रॉपर एक इम्प्रॉपर है। तो यहां पर अगर आप देखा जाए तो कौन सा आंसर होना चाहिए? सभी लोग तेजी से। थैंक यू अभिषेक, शुक्रिया जी। मनस्वनी क्या कह रही है, लगते हैं आप, कौन हमसे दूर है भाई, हम तो किसी से दूर नहीं है जी। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है, और हमें उम्मीद है कि आपका जवाब सही मिलेगा और जवाब मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, नहीं होगा। डी में दोनों तरह की, देखो 4/1 क्या है प्रॉपर, और 1/8 क्या है, 4/1 क्या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ये प्रॉपर फ्रैक्शन, तो ये तो एक जैसे नहीं है, ये दोनों तो हो ही नहीं सकते। 1/3 और 1/5 की बात करें तो यहां पर हो सकता है, लेकिन ये दोनों क्या है, ये दोनों ही इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आयोग ने इसका आंसर क्या बना था, 7/5 और 4/3 इसका सही जवाब है। ओके, गुड इवनिंग टू एवरीवन, सभी लोगों को मेरा प्यार नमस्कार है। तो सब लोग साथ ही जुड़े हैं, तेजी से भैया लाइक वाइक कर दीजिएगा, जिससे कि मैं आप लोगों के साथ बना रहा हूं और सवालों को आपको बताता रहूं। एक्चुअली मेरे कैमरे, मेरे लैपटॉप में एक प्रॉब्लम और भी है। इस लैपटॉप को जो कैमरा है ना, वो ऊपर नहीं है, वो नीचे है, इसलिए मैं आपको ऐसा दिखता हूँ जैसे मैं नीचे से ऊपर की तरफ दिखता हूँ, क्योंकि इसका कैमरा डाउन साइड में है, फ्रंट साइड में नहीं है। फ्रंट में होता तो बहुत अच्छा दिखता, ये इसका ड्रॉबैक है लैपटॉप का। एक और सवाल, वॉन हेले के सिद्धांत के अनुसार ज्यामिति के अधिगम के लिए प्रथम महत्वपूर्ण पद चिंतन है, संपूर्ण चिंतन, क्योंकि यह टेनग्राम पहेलियों को हल करने में बच्चों की सहायता करता है, यह बच्चों को ज्यामिति आकृतियों के नाम स्मरण करने में सहायता करता है, यह आकृतियों को विश्लेषण और दृष्टिकरण के कौशल को विकसित करने का आधार है, या बच्चों को ज्यामिति अच्छे अंक प्राप्त। देखो मैंने कहा ना, जब भी आपको दिखाई दे ना अच्छे अंक की बात है, तुरंत काट दो, क्योंकि अच्छे अंक से कोई मतलब नहीं होता है। सही जवाब क्या है, वॉन हेले जो है उन्होंने अपने ज्यामिति सिद्धांत के चरण दिए हैं, लेवल ऑफ ज्योमेट्रिकल थिंकिंग, जिसके अंदर गत सबसे पहला लेवल विजुअलाइजेशन दृश्यीकरण है, उसके बाद विश्लेषण है, और वो आकृतियों के आधार पर इनको विकसित करने का प्रयास करते हैं। तो मैं राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 लगाऊंगा इसका। आपकी तरफ से क्या आएगा, दुआ दुआ कैसे हैं, स्वागत है नमन आपका, दुआ है धुआं धुआं। ओके, एक और सवाल, कक्षा 5 के गणित अध्यापक श्रीमान जैकब ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित 2 शाब्दिक समस्याएं दी। 15 संतरों को कमल 3 बराबर पंक्तियों में रखना चाहता है, उसे एक पंक्ति में कितने संतरे रखाना है? 15 संतरों को कमल पंक्तियों में इस तरह रखना चाहता है ताकि प्रत्येक पंक्ति में 5 संतरे हों। कमल ऐसी कुल कितनी पंक्ति बना सकता है दी गई स्थिति के अनुसार, कौन सा कथन सत्य है? अब जैकब ने अपने विद्यार्थियों को ये 2 तरह के सवाल दिए हैं। अध्यापक को भाग संरचना के अंतर्गत आने वाले विभिन्न शाब्दिक समस्याओं के प्रारूप और उप प्रारूप की स्पष्टता है, ये बात तो सही है, टीचर पूरा एक्सपर्ट है, क्योंकि इसने 2 तरह के प्रश्न दिए हैं बच्चों को, जिस तरह से वो बच्चों को समझाने की कोशिश कर रहा है ना। दोनों समस्या भाग नहीं, बराबर वजनबद्ध कैसे हो जाएंगे, ये 15 में 3 बराबर रखना चाहता है, ये 15 में 5 रखना चाहता है, बराबर डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होगा, इसमें 5 3 15, इसमें 3 5 बराबर डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है, ये तो गलत हो गया।
अध्यापक विद्यार्थी को 3-5 के पहाड़े गलत बात है, दोनों समान शाब्दिक समस्याओं को हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि दोनों गलत बात है, क्यों नहीं बोलेंगे, दोनों अलग अलग है। तो सवाल मतलब क्या है कि ये अध्यापक के बारे में बात की गई है कि अध्यापक को जो भाग के प्रश्न है बहुत खूबसूरती से बता सकता है और वो बहुत अच्छे से स्पष्ट है, उसे स्पष्ट है कि प्रश्नों के प्रारूप और उप प्रारूप को कैसे डिजाइन किया जाए। राइट ऑप्शन ए है, पहली बार सीडेट ने अध्यापक के आधारित एक सवाल पूछा था। बहुत ही खूबसूरत जवाब है, काफी खूबसूरत जवाब है। तो भाई सभी लोग लाइक जरूर कर दें, लाइक करते रहें, मेरा गला बहुत खराब है, मैं बोल नहीं रहा, बोलने में मेरे दर्द हो रहा है गले में, लेकिन आप लोगों ने कहा पेपर पास में, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ, अदरवाइज मैं 2 दिन का रेस्ट लेना चाहता था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, इनमें से कौन सा सोपान चरण समस्या समाधान विधि में शामिल नहीं है, कौन सा स्टेप है जो शामिल नहीं है समस्या समाधान में। और ये मैंने आपको बताया समस्या समाधान के 6 स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं और कौन से स्टेप है ये आप उनको जानते भी हैं, ठीक है ना। हाँ मैं धीरे धीरे इसलिए बात कर रहा हूँ, अगर मेरी आवाज कम लग रही है तो प्लीज मुझे बता दीजिएगा, क्योंकि मेरे गले से आवाज नहीं निकल रही है। मैं कोशिश तो पूरी कर रहा हूँ लेकिन मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पा रहा हूँ, फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को मेरी आवाज पहुंच जाए तेजी से, और मैं आवाज को और तेजी से करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट रुकिएगा, अगर मेरी आपको आवाज आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो फिर मैं और भी, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट वेट करिएगा, अभी शायद आपको मेरी आवाज आ जाए, एक मिनट रुकिएगा मैं चेक करता हूँ जी। अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ मेरी आवाज़ आपको माइक्रोफोन के थ्रू आ जाए। अभी आपको मेरी आवाज़ आ रही है सही जी? अभी आवाज़ तेज है, एक बार कंफर्म कर दीजिएगा। अभी आवाज़ में कुछ आपको असर लगा, कुछ चेंज हुई है आवाज़ जी? तो मैंने थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास किया, आवाज़ को साफ आ जाए। कुछ पूछ रही है फ्लाइट से आवाज़, अच्छा अभी आ रही है ना, ओके ओके क्लियर हो गया। चलिए तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। अभी कम हो गया, सब तो ठीक है ना? हाँ रात में पानी पीऊंगा, आ रहा है आवाज, चलिए शुक्रिया, ओके। तो यहां पर अगर हम बात करते हैं तो समझेंगे सवाल को, समस्या का स्पष्टीकरण एकदम सही बात है, योजना का प्रतिपादन करना भी सही बात है, लेकिन अविवेकी और अविवेचित यानी जो डेवलपमेंट ऑफ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी एल्गोरिथम्स का विकास करना, वो समस्या चरण का स्टेप नहीं है, क्योंकि समस्या चरण में डिस्क्रिमिनेटरी यानी अविवेकित और अविवेचित कलन विधियों का विकास नहीं किया जाता, वहाँ पर किसी समस्या को सॉल्व किया जाता है, वहाँ पर कोई स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट बनाया जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका गलत ऑप्शन है, सी बिल्कुल सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं एक और। हाँ मैथ्स क्लास ईवी सुबह 6 बजे जी। यदि वर्ग की एक भुजा को दोगुना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक वर्ग है, चलो बना लेते हैं, ये हमारे पास एक वर्ग है, इस वर्ग की भुजा को मैं डबल कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये ए थी, अब ये 2a हो गई, तो पहले इसका एरिया कितना होगा भाई, वर्ग का क्षेत्रफल तो ए स्क्वायर होता है, अब कितना हो जाएगा 2a का स्क्वायर, तो 4a स्क्वायर, कितना हो गया 4a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, इसे ए स्क्वायर, तो राइट ऑप्शन 4 हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या 4 गुना, ओके तो ये 4 गुना हो जाएगा, राइट ऑप्शन क्या मिल रहा है आपका सी। अगर आप इसका सी आंसर दे रहे हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आपका जवाब एकदम सही है, गलत नहीं है, बहुत बढ़िया, खूबसूरती से आप लोगों के जवाब मिल रहे हैं। लेकिन भाई लाइक जरूर करते रहो, आपके लाइक मुझे नहीं मिल रहे हैं, थोड़ा सा फील हो रहा है, तो लाइक जरूर करते रहें जिससे कि हाँ उड़ा दिया है 5 का सी, लाइक भी करते रहें जिससे कि हमें पता लगता रहे कि आपके सवाल समझ में आ रहे हैं। रट गया, क्या बात है। एक और सवाल, बिस्किट के एक छोटे पैकेट का आकार 12 से 12 सेंटीमीटर, 5 और 3 है, यानी 12 × 5 × 3 सेंटीमीटर का आकार है। एक विक्रेता ऐसे छोटे पैकेट का एक बड़े बॉक्स में पैक करना चाहता है और उसकी आंतरिक माप कितनी है, 5 मीटर, 0.25 मीटर और 18 सेंटीमीटर। अब देखो अगर आप पैक करना चाहते हैं तो ये सारी मापें सेंटीमीटर में थी, इसका वॉल्यूम ये मीटर में है, ये भी मीटर में और सेंटीमीटर में, तो यूनिट 1 होनी चाहिए ना, तो आप जानते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर, तो मल्टीप्लाई कर दें तो 50 में 100 की गुणा करेंगे तो 50 हो जाएगा, 2.5 में 25 हो जाएगा 18, तो ये तो हो गया बड़े बॉक्स का वॉल्यूम, छोटे बॉक्स का क्या है 12 × 5 × 3। आप देखो 3 से काटें, 3 × 6 = 18, 6 × 2 = 12, 5 × 5 = 25, 25 × 2 = 50, 25 × 5 = 125, तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए, कितने बॉक्स रखे जा सकते हैं, क्या आपके ऑप्शन मिल रहे हैं ए।
125 बॉक्सेस आप पुट कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, 125 बॉक्सेस आप पुट कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप चाहते हैं तो यू कैन पुट 125 बॉक्सेस ओवर देयर। ओके, बहुत बढ़िया। तो ये काफ़ी बेहतरीन तरीके से आप लोगों के जवाब जब मिल जाते हैं तो बात बन जाती है सही। एक और सवाल देखते हैं तेजी से, किसका कोई सवाल रुक जाए तो मुझे लास्ट में बता दीजिएगा। राधा के पास 450 रुपये हैं और सीना के पास 550। सीना के पास राधा की अपेक्षा कितना धन अधिक है, ये प्रश्न पूछा गया। एक बच्चे को उपरोक्त शाब्दिक समस्या को हल करने के लिए कहा गया। बच्चा उसे 450 प्लस 550 विधि से हल करता है। इस प्रकार के उत्तर का सबसे संभावित कारण क्या हो सकता है? बच्चे ने अधिक शब्द का योग से संबंधित किया है। एक मिनट रुकिएगा जी। बच्चा संख्याओं के योग की कलन विधि नहीं जानता है। बच्चे में पढ़ने के कौशल की कमी है। बच्चा समझता है कि 550 रुपए में से 450 रुपए को नहीं घटाया जा सकता। अब आपका जवाब क्या होगा? और मुझे उम्मीद है जवाब अच्छा होगा और आप दे रहे हैं जवाब ए बी सी डी के रूप में, नो प्रॉब्लम, ए ऑप्शन मिल रहा है, बिल्कुल सही बात है, बहुत ही खूबसूरत जवाब। क्यों? क्योंकि 450 रुपए क्या है, सीना के पास 550 रुपए हैं। उन्होंने पूछा सीना के पास कितने रुपए अधिक है, और हम जनरली हम क्या करते हैं, बचपन में मास्टर जी ने सिखाया था, हमारे शिक्षक ने हमें सिखाया था ना कि अधिक का मतलब जोड़, ज़्यादा का मतलब जोड़। तो हम क्या करते हैं, अधिक मतलब कितना अधिक है, तो हम उसको जोड़ के सब रेस्पेक्ट में लेते हैं। तो बच्चे ने भी उसको क्या काम करा, 450 और 550 जोड़ दिया। तो प्रॉब्लम क्या रही कि बच्चों ने अधिक शब्द का प्रयोग योग से संबंधित कर दिया है, ठीक है ना। ये इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक यानी सबसे बड़ा कारण ये हो सकता है, ऑप्शन नंबर एक। अगर आप दे रहे हैं तो एकदम सही जवाब दे रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत। हाँ टिया, 16 तारीख से ही होगा, तैयार तो करनी पड़ेगी ना, अभी भी समय है, कर लो, 10 दिन हैं और लगात हो सकता है आपके पर लास्ट में आए। 16 तारीख से तो स्टार्ट हो जाएंगे ना, अभी 16 फिक्स डेट नहीं है, अभी एडमिट कार्ड आने पता है, हो सकता है जनवरी से भी स्टार्ट हो। सभी लोग तैयारी करते रहो। नमन, क्या बात है, कुरकुरे मिलेंगे, बिल्कुल दिलवाएंगे, नमन ने कहा है तो चलो। तीन क्रमागत प्राकृत संख्याओं का योगफल जिस संख्या से सदैव विभाजित होता है वह कौन सी है? द नंबर बाई विच द सम ऑफ थ्री कॉन्जुगेटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज डिविजिबल इज व्हाट? मैं चाहूंगा आपका जवाब मिले जी। और यहां पर जवाब मिलने की कोशिश जारी है। देखिए, तीन क्रमागत संख्या कौन सी लगातार, जैसे मैंने कहा दो है, तीन है, चार है, मैं कहूँ चार है, पाँच है, छः है, मैं बोलूं आठ है, दस है, नौ है, दस है, सब क्रमागत, अब कोई भी तीन संख्या ले सकते हैं, उनका योगफल किस संख्या से हमेशा कटेगा? अब देखो, तीन दो पांच और चार नौ, छ पांच ग्यारह हजार पंद्रह, दस आठ अठारह नौ सत्ताईस, किससे कट रहा है? तो शायद आपको पता लगे किससे कटेगा ये। तो राइट ऑप्शन क्या है, क्योंकि लगातार तीन संख्याओं को जोड़ोगे तो उसका टोटल हमेशा, देखो 15 भी तीन से कटता है, 9 भी कटता है, 27 भी कटता है, तो हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। राइट ऑप्शन सी, बहुत बढ़िया प्रशांत, वेरी गुड, राइट ऑप्शन सी होगा। बहुत ही खूबसूरती से आप लोगों का जवाब मिल रहा है मुझे, बहुत ही अच्छा, इसी तरह से आपको करते जाना है सवाल। हाँ हाँ कोई भी, हाँ शेडो आप कोई भी ले सकते हैं। ओके, एक और सवाल, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, यह योग का क्या कहलाता है? द सम ऑफ एनी टू होल नंबर्स इज ए होल नंबर, द सम इज कॉल्ड व्हाट? क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, या फिर एडिटिव इनवर्स? और मुझे पता है इन नियम को, मैं बार बार बोलता हूँ, मैंने सारे नियम पढ़ाए हुए हैं आपको। वॉन्ट टू फाइंड लव आर ए आई विल हेल्प भाई, mega.com हमें तो मिल गया, हमारा तो भया हो गया, हमें ना चाहिए कुछ भी, तुम टाटा बाय बाय, घर बैठो आराम से, कहीं और देखो भैया, ये चीज़ के लिए ना चैनल ये, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ चलो आगे बढ़ लेते हैं, ये बहुत मिलेंगे ऐसे, ठीक है ना। बात समझो, सवाल क्या है, ये योग का क्या कहलाता है? तो संवरक गुण, मैंने कहा ना जब भी आप दो प्रॉपर्टीज को लेंगे एक जैसी, जब भी जैसे दो प्रॉपर्टी के लिए बात करेंगे तो क्या करेंगे,
उन दोनों प्रॉपर्टीज को जोड़ने पर सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिल जाए, ठीक है ना, प्रॉपर्टी को जोड़ने पर सेम प्रॉपर्टी का एलिमेंट मिल जाए तो आप क्या करेंगे? तो वो जो सेम, जैसे मैंने कहा ना भाई, चार एक पूर्ण संख्या है, पांच भी एक पूर्ण संख्या है, दोनों को जोड़ेंगे नौ मिला, तो नौ भी तो पूर्ण संख्या है, वो नंबर में आपने वो नंबर को जोड़ा तो वो नंबर ही आ गया। तो जब वो नंबर की दो नंबर को जोड़ने पर वो नंबर आ जाता है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी होती है, वो ऑप्शन क्लोज होता है। तो राइट ऑप्शन है ए, संवारक पूर्ण यानी क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके बात समझ में? तो तुम तो ढूंढ लोगे नमन, नमन भाई आप तो खुद ढूंढ लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो हमें ढूंढता हुआ आया, हमने उसको थोड़ी ढूंढा है, वो हमें ढूंढता आया है, तो ये तुम्हारी ड्यूटी, तुम ढूंढ लेना उसको। हाँ बताते हैं, ठीक है ना, क्रमविन में मैं चारों बता देता हूँ। ये जो क्रमविन में है इसका मतलब क्या होता है कि जब दो, याद रखना क्रमविन में की प्रॉपर्टी क्या है, उसमें दो ही संख्याएं होंगी, तो दो संख्याओं को जोड़ा जाए और उनके क्रम बदल दिए जाए तो उनका मान नहीं बदलता। जैसे आप कहेंगे 3 प्लस 4, 4 प्लस 3, दोनों बराबर है ना। योज्य तत्समक का मतलब होता है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी को भी समझ लो भाई, आइडेंटिटी क्या होती है? आइडेंटिटी एक ऐसा एलिमेंट है जिसका प्रभाव नहीं पड़ता, उस अंक के साथ कैलकुलेशन करोगे तो उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, मैं बोलो 8 में मैं क्या जोड़ूँ कि ये 8 ही रहे, मतलब इस जो नंबर यहाँ पर आएगा ना, अगर इसका कोई प्रभाव 8 पर नहीं पड़ा तो वो इसका तत्समक है। वो इसका क्या है? वो इसका तत्समक मतलब आइडेंटिटी है। तो मुझे बताओ 8 में मैं क्या जोड़ूँ कि ये 8 ही रहे? आप बोलेंगे ना मास्टर जी इसमें तो बहुत अच्छी बात है, आप बोलो सर इसमें 0 जोड़ दो, है ना। अगर मैं 8 में 0 जोड़ दूंगा तो 8 रहेगा ना, तो 0 का कोई प्रभाव नहीं पड़ा ना 8 पर जोड़ने पर, इसलिए इसको बोलते हैं योगात्मक तत्समक, ठीक है ना। मैं बोलूँ अच्छा 5 में मैं किस चीज़ की गुणा कर दूँ, ये 5 ही रहे, तो आप क्या बोलेंगे? आप बोले सर इसमें 1 की गुणा कर दो, है ना, अगर इसमें मैं 1 की गुणा कर दूंगा तो ये 5 ही रहेगा ना, तो ये क्या हुआ? इसकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी योग योज्य जो तत्समक है, यानी जो एडिटिव आइडेंटिटी, वो 0 मानी जाती है अंकगणित में, अर्थमेटिक में, और जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है वो 1 मानी जाती है। इज दैट क्लियर? बात समझ में आ गई? कल 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 शिशु, ठीक है ना, बात समझ में आई? तो क्रमविन में कि हम बात कर, समझ में आया। अब ये जो योज्य योगात्मक गुणा है इसको बोलते हैं योगात्मक। योज्य का मतलब होता है एडिटिव इनवर्स। इनवर्स का मतलब क्या होता है? अगर आप दो नंबर को जोड़ रहे हैं ए और बी, और उनको जोड़ने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए, बात समझना इसे, बहुत ये सोचने की बात है। आपने दो नंबर जोड़े, उन दोनों नंबर को जोड़ने पर आपको आइडेंटिटी मिल जाए। अब जैसे आइडेंटिटी मतलब जोड़ने पर, तो जोड़ की आइडेंटिटी, गुणा करने पर गुणा की आइडेंटिटी। तो अगर मैं बोलूं मैं 5 में क्या जोड़ूं, भाई जोड़ की आइडेंटिटी क्या है? 0 होना चाहिए ना, तो 5 में मैं क्या जोड़ूं कि 0 हो जाए? आप बोलेंगे -5 जोड़ दो, तो 5 - 5 का क्या है? योज्य प्रतिलोम है। अगर मैं बोलूं मल्टीप्लीकेशन, तो 5 में किस चीज़ की गुणा करूं कि ये 1 हो जाए, क्योंकि आइडेंटिटी आनी चाहिए, दो नंबर की गुणा करोगे तो आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेशन की आएगी, तो आप बोलेंगे 1/5, इसलिए 1/5 5 का इनवर्स होता है। बात समझ में आ गई होगी सबको क्या होते हैं इनवर्स? फिर भी आपको इनको डिटेल में पढ़ना है, आप इनको जानना चाहते हैं कि ये क्या है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है पैडागॉजी का, आप उसमें जाकर चेक कर सकते हैं, कंप्लीट मैंने आपको स्पेशल पढ़ाया हुआ है। ओके कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं। दिए गए अनुक्रम में कौन सी संख्याएं लुप्त हैं, इनमें से कौन सी संख्याएं लुप्त हैं आपको बताना है। विच नंबर आर मिसिंग फ्रॉम द गिवन सीक्वेंस, 0, 1, 1, 2, 3, 4, 3, 5, 8, 13, 34, 55, कौन सा है? तो देखो इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। इसको क्या बोलते हैं? याद रखना, पेपर में कई बार, इसी ऑनलाइन वाले पेपर्स में 3-4 बार पूछी गई थी ये। इसको बोलते हैं फिबोनाची सीरीज, FibonacciI, फिबोनाची सीरीज। इसका मतलब क्या होता है? लास्ट के दो नंबर का सम आगे वाले का बनता है। देखो दो नंबर्स में बाय डिफॉल्ट 0, 1 होते हैं, तो 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 2 + 1 = 3, 3 + 2 = 5, 5 + 3 = 8, 8 + 3 = 13, 5 = 13, 13 + 7 = 20 होते हैं, 21 आना चाहिए, ऑप्शन नंबर 2 ही बचा इसमें। बात समझ में आ गई? 10 का भी उड़ा दिया, डोंट वरी सुवर्णा, इज दैट क्लियर? भाई लाइक करते रहो, लाइक बड़े कम है, ये लाइक बढ़ाते रहो, पेपर बहुत अच्छा है, सवाल मैं सारे सॉल्व कराऊंगा आपको, सारे पेपर कराऊंगा। हाँ अभी धीरे इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं बाहर हूँ और मेरी गले में भी दर्द है, तो मैं बस बोल रहा हूँ आप लोगों के साथ जुड़ करके, ठीक है ना। तो अब ध्यान से समझते रहिएगा। एक और सवाल क्वेश्चन है, 2, 7, 7, 2, 0 के अभाज्य गुणनखंड बताओ, यानी आपको बताएं टोटल नंबर ऑफ अभाज्य गुणनखंड कितने हैं, उनका सम कितना है।
अब सवाल समझने की कोशिश करेंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके फैक्टर करने पड़ेंगे ना, और फैक्टर कैसे करेंगे उनको समझना पड़ेगा। तो चलो फैक्टर कर लेते हैं। पहले देखो 2 7 7 2 0 के अभाज्य गुणनखंड क्या करें, 2 7 7 2 0। अगर मैं इसके फैक्टर करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 से काट लें, अभाज्य में तो आपको प्राइम नंबर ही लेने हैं डिवाइड करने के लिए। 2 1 जा 1 2 2 3 6 2 8 16 2 6 12 0, फिर 2 से कट जाएगा, तो क्या होगा, 2 6 12 1 2 9 18 2 3 6 फिर 0, फिर 2 से कट जाएगा, 2 3 6 2 6 8 2 6 12 2 5 10 6 6 10 18 3 से कट जाएगा, 3 1 3 3 1 3 3 5 15 3 5 15, फिर 3 से कट जाएगा, 3 3 9 2 बज गए 25 3 8 24 3 5 15, 5 3 8 8 16 नहीं कटेगा, अब कटेगा 5 से 5 से काटें 5 7 35 5 7 35, अब कट जाएगा 11 7 से और 11 से, है ना। इसके फैक्टर कौन कौन से हैं, तो इसमें आपको निकालने प्राइम फैक्टर कितने हैं टोटल, सबकी गुणा नहीं करनी, आपको उसका एलसीएम नहीं निकालना। तो ये क्या प्राइम फैक्टर, एक तो 2 हो गया, इसका प्राइम फैक्टर 3 हो गया, एक 5 हो गया, एक 7 और एक 11 है। तो इस पूरी संख्या के टोटल में अगर 5 प्राइम फैक्टर्स हैं, 5 प्राइम फैक्टर्स आपने निकाले, उनका सम पूछने की बात कर रहा था, जोड़ दो सबको, तो कितना हो जाएगा, 2 + 3 + 5 + 7 + 11 कितना हुआ, 28। राइट ऑप्शन 28, ऑप्शन नंबर डी अगर आपने दिया है, बहुत ही खूबसूरत जवाब है। ऐसे ही आप लोगों के जवाब मिलते रहने चाहिए और आपके सवाल अच्छे अच्छे आने चाहिए। एक और सवाल, चलिए एक और क्वेश्चन आपके समक्ष है, देखते हैं जवाब। राधा, मनीषा, राजेश और आशा 137 कंचों को आपस में बांटना चाहते थे। यदि प्रत्येक को समान संख्या में कंचे चाहिए तो हमें कंचों के समूह में और कितने कंचे जोड़ने होंगे। बहुत सिंपल सी बात है भाई, 137 कंचे हैं टोटल, अब कितने लोग हैं, 1 2 3 4, 4 लोग इनको बांटना चाहते हैं, तो 4 से डिविजिबिलिटी का रूल होना चाहिए। हालांकि 4 से डिविजिबिलिटी का रूल, तो 3 जोड़ दोगे तो 140 हो जाएगा, 4 से कट जाएगा। आप ऐसे भी कर सकते हैं, 4 3 12 बचे कितने, 1 17, 4 6 16, 1 6 बचा। अब इस 1 को पूरा काटना चाहते हो, 4 है ना, तो इसमें 3 जोड़ना पड़ेगा ना, तो 4 1 4 आ जाएगा, है ना। तो मतलब क्या हो जाएगा, इसमें आपको 3 जोड़ना पड़ेगा। अगर आप 137 में 3 जोड़ देंगे तो ये 140 हो जाएगा, यही आपका सही जवाब हो जाएगा। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, बहुत ही खूबसूरत। तालियां आप लोगों के लिए, काफ़ी अच्छी तरीके से आप लोगों के आंसर्स मुझे मिल रहे हैं और ये काफ़ी काबिल तारीफ़ है। इसी तरह से आप लोगों के जवाब जब आते हैं तो बात बन जाती है। आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात कर लेते हैं फिर। ओके चलिए, वन मोर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर रखता हूँ। ये रहा, एक आयत की चौड़ाई और परिमाप एक के बीच का अनुपात इतना है, 1:5 है। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अनुपात क्या होगा, सवाल यह है। सवाल समझने की कोशिश करते हैं, जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, उसने बोला यह है मेरा आयत, ओके, इस आयत की चौड़ाई और परिमाप के बीच, अब चौड़ाई कितनी है, मैंने माना इसकी चौड़ाई है एक्स, और इसकी जो परिमाप है वो क्या होता है, 2 × l + b, है ना, ये तो होता है, तो मैं इसको b मान लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा। उसने बोला आयत की चौड़ाई b अनुपात 2 × l + b कितना है, 1:5 है, तो b का वैल्यू अनुपात में 1 और इसका वैल्यू 5, तो मैं कह सकता हूँ 2 × l + b का वैल्यू तो 1 आ गया ना, तो 2l + 2 = 5, 12 = 5 - 2, 12 = 3, l = 3/2। अब l का वैल्यू 3/2 है और b का वैल्यू 1 है, ये तो मुझे मिल गए दोनों वैल्यू। उसने बोला आयत की लंबाई, लंबाई कितनी है 3/2, चौड़ाई कितनी है 1, अब इनका अनुपात निकाला तो क्या होगा, 2 LCM आ गया, 3:2, तो राइट ऑप्शन क्या, 3:2 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 2 अगर आप दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी, तो ये एकदम सही जवाब है जी। सीमा देख रहा हूँ, सीमा जी, सर कल का आपका बहुत पुराना वीडियो देखे आप और मैम दोनों, अच्छा हाँ, एक्चुअली ना जहाँ मैं अपनी कजिन सिस्टर की शादी में आया ना, वो इससे पहली वाली शादी हुई थी, वो उसका डांस है, मतलब 2 साल पहले, अब 2 साल बाद फिर दूसरी शादी हो रही है, उसी समय पर हो रही है, उसी में जगह हो रही है, ठीक है ना, इसलिए थैंक यू सीमा। ओके, बात समझ में आगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, चलो आगे बढ़ते हैं। एक और सवाल, 3-2, बहुत अच्छा जवाब मिला है आप लोगों का। मोहन के पास कुछ टॉफियाँ हैं, उसने उनका 1/3 भाग अमर को, अमर को कितना दिया, 1/3,
अकबर, ओहो सारे ही आ गए, अमर अकबर एंथनी, अमर अकबर को 1/4 और 1/6 भाग एंथोनी को, और चरणप्रीत भी आ गया भाई साथ में। चरणप्रीत को कितना दिया है? 1/12। अगर उसके पास अभी भी एक दिन ट्रॉफी अभी भी मोहन के पास बची हुई है तो भैया बताओ शुरुआत में कितनी थी। अब देखो टोटल देखें, मैंने माना उसके पास टोटल 1 ट्रॉफी थी पहले, 1 समूह में, इन सबको घटा दो, 1/3, 1/4, 1/6, 1/12, तो 12 इसका एलसीएम आया, तो 3 × 4 = 12 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 6 × 2 = 12 प्लस 12 × 1 = 12 1 माइनस, तो कितना हुआ 1 − 4 = 7 × 10/12 तो 2/12 1/6। तो मोहन के पास अभी 1/6 ट्रॉफी बची है, वो कह रहा 1 दर्जन के बराबर है, तो 1 ट्रॉफी किसके बराबर? 6 के बराबर। तो उसके पास स्टार्टिंग में 6 दर्जन ट्रॉफी होनी चाहिए। आपका जवाब क्या मिलता है प्रश्न नंबर 14 का? जी 6 दर्जन है ना, करेक्ट है ना, आसान है ना, समझ में आ गया? कोई ऐसा मेरे साथी जिसको समझ में ना आई हो मेरी बातें? क्लियर है भाई सबको? बहुत बढ़िया, अरे वाह, आप तो सभी लोग बहुत अच्छे से जवाब दे रहे हैं, दैट्स वेरी नाइस। अरे हमें तो ऐसे ही आपके जवाब चाहिए, बहुत ही खूबसूरत। एक और सवाल, मीनू के पास 1 सेंटीमीटर भुजा वाला एक घन है, वह अपने बॉक्स में ऐसे 30 घन रख सकती है। मतलब क्या, 1 सेंटीमीटर का घन है, वो अपने बॉक्स में 30 घन रख सकती है। मतलब क्या है, उस बॉक्स का, जिस बॉक्स में वो घन रख रही थी उसका वॉल्यूम 30 घन रख सकती ना, 33 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि महिमा के पास एक घनाभागार पासा है, अब उसके पास एक पासा है जिसकी लंबाई 2, 1 और 1 है, 2 × 1 × 1 है। सवाल है तो उस मीनू के इस बॉक्स में, इस मीनू का बॉक्स का साइज कितना था? 30 सेंटीमीटर क्यूब। एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना है? 2 × 1 × 1 2 सेंटीमीटर क्यूब। तो यदि पूरा बॉक्स खाली उसमें कितना रह सकते हो? तो भाई बॉक्स का आयतन अपॉन क्यूबॉइड का आयतन 15 रख लेगी। राइट ऑप्शन आपको मिल गया होगा ऑप्शन नंबर 2 मेरे हिसाब से तो। जी किसने दिया सही जवाब? ओके ये सब शांत बैठे भाई, इतना गलत थोड़ी था, हाँ इतना गलत थोड़ी था, आप तो थोड़ा देखिए कोशिश स्पीड बढ़ाएं। बात नहीं आ रही है अभी साफ साफ समझ में, बात हो रही है गलत, जल्दी से देंगे जवाब। ओके राइट, ओके बढ़िया, जवाब देने की कोशिश आपकी जारी है और सवाल है, बहुत बढ़िया। मुझे चाहिए बी ऑप्शन, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की बात करते हैं। ओके अभी ठीक है, ओके अभी दिख रहा है आपको? जी